कुछ कहने से पहले मैं एक चांट पढ़ना चाहूंगा एम डी एम सैम्पर आमा जो मैं कहानी आप सबको सुनाने जा रहा हूँ ये मेरे दिल के बहुत करीब है एक टाइम था मैं यहाँ इंडस्ट्रियल फेस टू में ही रहा करता था मैं ग्राउंड फ्लोर पर रहता था और मेरे बहुत ही क्लोज़ फ्रेंड्स उपनीत और शगुन फर्स्ट फ्लोर पर रहा करते थे हम दोनों इतने क्लोज थे कि साथ में डरना में वॉक्स पे जाना एंड कहीं भी घूमने जाना हमेशा साथ जाना तो अच्छा लगता था काफ़ी एकदम से उपनीत का मेरे को कॉल आया कि साहेब हम लोग को एक इवेंट का इन्वाइट आया तो तू भी साथ चल वहाँ बहुत मल्टीपल एक्टिविटीज़ होती हैं बहुत इन्जॉय करेगा तू मैंने कहा ये तो मतलब मार्केटिंग टैक्टिक्स होती है मैं मार्केटिंग स्टूडेंट हूँ ये हरकतें मैंने ही बहुत करी हैं तो मैं कहा रेन देते हैं मैं कहा आप लोग एन्जॉय करो मैं थोड़ा बिजी हूँ दोनों चले गए अभी नेक्स्ट डे में दोनों को मिला तो मैंने दोनों में बहुत ही सडन चेंज नोटिस किया उपनीत बहुत ही एक्साइटेड बहुत ही हैपनिंग बहुत ही खुश और बहुत ही एनर्जेटिक थी लेकिन शगुन बिल्कुल ऑपोजिट बिल्कुल सहमी हुई सी अपने में रहनी कमजोर सी गई थी वो कुछ दिनों बाद मैंने देखा कि जो उपनीत है वो उसका तो बिल्कुल ही बदल गई वो उसका बिजनेस चल पड़ा उसको ग्लोबल रिकग्नेशन मिलना शुरू हो गया एंड बहुत फायदा होने लगा उसे बट शगुन का बहुत नुकसान हो रहा था बहुत ज्यादा उसकी जॉब चली गई वो दीवारों से बातें करने लग गई हमेशा कुछ ना कुछ सोचने लग गई और उसका चेहरा पीला होना शुरू हो गया एक दिन हमने देखा कि शगुन ने हमारे साथ घूमना ही बंद कर दिया हम हम दोनों डर गए हम दोनों गए उसके रूम में बहुत नॉक किया बहुत आवाजें मारी बहुत कुछ चलाया कोई जवाब नहीं आया जैसे तैसे करके हमने दरवाजा तोड़ा हमने वो देखा जिसको देखने के बाद हमारे तले जमीन खिसक गई शगन सुसाइड कर चुकी थी हम दोनों ने जैसे तैसे करके उसको नीचे उतारा मैंने उसे सीपीआर दिया उपनीत ने उसे जोर जोर से दिल पे मारा इस उम्मीद में कि क्या पता उपनीत शायद वापस आ जाए लेकिन वो मैं छोड़ के चली गई हम दोनों टूट चुके थे बैठे हुए थे सर पे हाथ रख के बस बैठे हुए थे कि पता नहीं क्या होगा लेकिन एक दम से मेरी नजर टेबल के ऊपर एक जो नोट था उस पर गई नोट पढ़ने पे पता चला कि ये जो नोट है ये शगुन ने मरने से पहले लिखा था नोट पे लिखा था कि जिस इवेंट पे शगुन और उपनीत गए थे वो कोई ऐसा वैसा इवेंट नहीं था एक कल्ट था जो आपसे चांट करवाता था। एम, डीएम, आम उपनीत ने वो चांट मन में पढ़ लिया था और देखो वो कहां से कहां पहुंच गई लेकिन शगुन ने वो चांट नहीं पढ़ा, और आज उसने सुसाइड कर लिया ये सब होने के कुछ दिनों बाद घर में अजीब अजीब घटनाएं होने लगी लाइट्स फ्लिकर करती थी टीवी ऑन ऑफ हो जाता था फ्रिज कभी चलता था नहीं चलता था बहुत कुछ होने लगा एंड जब भी मैं अपने आप को शीशे में देखता था मुझे हमेशा शगुन की आत्मा दिखती थी यहाँ पे उसका निशान था और आंखों से आंसू निकल रहे होते थे एक रात मेरे को सपना आया कि मेरे कमरे में सम्मान एकदम उथल पुथल हो गया और शगुन की आत्मा एकदम से मेरे सामने आई मुझे रोते हुए बोली कि मे को मुक्ति देने का एक ही रास्ता है अच्छा क्या उसने कहा कि ये जो चांट है ये कम से कम बीस लोगों से आपको मन में दोहराना होगा अगर आपने ये कर लिया तो मेरे को मुक्ति मिल जाएगी मैं एकदम से डर के मारे उठा को था कि पता नहीं क्या होगा एकदम से लेकिन वो सपना नहीं था हकीकत थी क्योंकि जब मैंने देखा कमरे की वही हालत थी जो सब मेरे सपने में हुई थी मतलब शगुन सच में मेरे पास आई थी उसने मुझे सच में कोई इंडिकेशन दिया इसलिए मैंने ये शो में पार्टिसिपेट किया ताकि ये चांट मैं आप सबके मन में दोहरा सकूं जिन्होंने ये चांट अपने मन में दोहराया आपका बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने नहीं दोहराया उपशगुन की भटकती आत्मा आपको एक दिन एक ना एक दिन जरूर सताएगी शुक्रिया शुक्रिया, शुक्रिया।